लगातार आप देखें राजधानी समाचार इस प्रकार से मध्य प्रदेश में निगम अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, अजय यादव जी उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयुक्त में, तो क्या दायित्व दिया गया आपको, क्या बनाया गया? मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त आयोग में मुझे उपाध्यक्ष का पद मिला है जी। जो सरकार की योजनाओं और पिछड़ा वर्ग की और अल्पसंख्यक के लिए जो योजनाएं बने और आगामी जो तैयारी हम जो करने वाले हैं पद ग्रहण के बाद, अल्पसंख्यक का विशेष ध्यान रखना, उनकी योजनाओं पर तैयारी करना, नई योजनाओं के बारे में गठन करना, ये हमारा प्रथम कार्य रहेगा। पिछड़ा वर्ग को लेकर तो भी देख रहे हैं चुनाव में घमासान चल रहा पंचायत पे, तो आते ही से आपको बड़ी जिम्मेदारी, कैसे सामना करेंगे इन चीज़ों का? वास्तव में पिछड़ा वर्ग को अनदेखा नहीं किया जा सकता जी। और पिछड़ा वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, हमारी सरकार भी चिंतित है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सरकार जब तक आरक्षण नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं कराएगी। और अब क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से रोजगार के लिए कुछ बात करेंगे? सरकार के माध्यम से जी, अपने दायित्व के माध्यम से पिछड़ा वर्ग में और अल्पसंख्यक में दोनों में जो भी योजनाएं बनेंगी उसमें अधिक से अधिक युवाओं को हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव भी हैं, आगामी चुनाव को देख के आपको अध्यक्ष बनाया गया तो एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जी, क्योंकि आने वाले दो साल बाद चुनाव हैं और जिम्मेदारी जो मिली है उस पर हम कर्तव्य अपने निर्वहन करेंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे। माता अजय यादव जी थे जो उपाध्यक्ष हैं निगम में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक मोर्चा में। राजधानी समाचार से नीरज की रिपोर्ट, भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।